अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। हम लोग भी आप लोग की दुआ से अलहमदिल्ला अच्छे से हैं। तो आज की हमारी रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं गोले कबाब। तो मैं गोले कबाब बना रही, तो मैंने छोड़ा आप लोगों को शेयर करूँ मेरे तरीके से। तो मुझे गोले कबाब के लिए देखो, ये 250 ग्राम खीमा गोश है, मैंने वो गोश को खीमा बना ली हूँ मिक्सर में डाल के। और ये ना चना रहता है ना जो, ये 50 ग्राम चना मैंने पीस ली हूँ और थोड़ी कोथमी कटिंग कर ली हूँ। और ये एक प्याज को तल के मैंने इसको भी पीस ली मोटा मोटा, एक प्याज तली हुई। और इसमें है ना अदरक लहसुन हरी मिर्ची और पपैया है, कच्चा पपैया होता है ना गोश्त गलने के लिए, बड़े का गोश्त है नहीं तो पपैया, तीन चार चीज़ मिला के मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा ऐसे पीस ली। इसमें कच्चा पपैया इतना बड़ा टुकड़ा, अदरक इतना बड़ा टुकड़ा, लहसुन की एक डली है, तीन हरी मिर्ची है, तीन मिक्स करके मैंने पीस ली। और हल्दी की पाव स्पून है, मिर्ची की भी आधा स्पून है, गरम मसाला पाव स्पून है, और चिली फ्लेक्स आधा स्पून है, और ये चाट मसाला पाव स्पून है, और लेमन जूस आधा है। तो मुझे इतना चाहिए गोले कबाब के लिए। तो अभी हमको मिक्स करने है, मिक्स करके मैं ये देखो ये दरदरा मैंने चार चीज़ पीसी हूँ। इसमें पपैया का पेस्ट इसलिए डाली हूँ कि गोश्त बढ़ेगा ना, गलता नहीं। तो मैं इसको मसाला लगा के आधा घंटा रखने के बाद ही बनाऊँगी, तो आप लोगों को पूरी वीडियो शेयर करूँगी जो जो मैं करती मेरे तरीके से। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग मुझे लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल पर जो भी है सब्सक्राइब कर दो। और पूरा मसाला मैं इसमें डालती रहूँगी। ये चाट मसाला है, ये चिली फ्लेक्स है, लेमन जूस एक आधा है, लेमन जूस तो नमक डाल रही मैं अपने हिसाब से, आप लोग अपने हिसाब से डालना। तब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आधा स्पून तेल डाल रही हूँ मैं, आप लोग बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, मैं तेल डाल रही हूँ आधा स्पून, इसमें तेल डाल रही हूँ। तो मैंने सब आज डायरेक्ट डायरेक्ट बनाई हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा होता है तो बहुत से जन नहीं देखते, स्किप करते, इसलिए मैंने आज डायरेक्ट आप लोग को पीस के तैयार करके बताई हूँ, मगर क्या क्या चीज़ डाली मैंने सब बताई आप लोग को। तो मैंने मिक्स कर दी हूँ, तो इसके आधा घंटे के बाद मैं आप लोग को फ्राई करके बताऊँगी। तो मैंने गोले कबाब की तैयारी कर ली हूँ रखने के लिए, तो इसको मैं थोड़ा कोयले का भाप दूंगी। तो ये कोयला मैं गरम पे कर ली गरम, तो मैंने इसके तो तेल वगैरह डाल के इसके अंदर इसको भापने में रखूँगी। एक आधा घंटा आप लोगों को बोली ना, 10 मिनट हो चुका, 20 मिनट में मैं इसको भाप में रखूँगी, इसके बाद बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। तो हमारा पूरा आधा घंटा हो चुका है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, इसमें धुआं आ चुका है कोयले का। तो अभी हम कबाब बना के आप लोगों को बताएंगे। तो मैंने मिक्स कर ली एक बार और, क्योंकि हमको इसका पूरा कोयले का सब में आना चाहिए, और आपको कोयले से बना कर देंगे। तो हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, तो देखो मैंने रेडी हो चुका है, और इसको हम लाइन से बना बना के आप लोग को सब बताते हैं। तो मैंने चार बनाई हूँ, या तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसको तलने के लिए छोड़ेंगे। ये देखो ये हमारे गोले कबाब चार बना दिए, और बना बना के इसमें डालते रहेंगे, तो बारीक से हमको फ्राई करना है। तो एक तरफ से हमारे कबाब फ्राई कबाब हो चुके, तो हम पलटी कर देंगे। मैंने पूरे पलटी कर दी हूँ, और दूसरे तरफ से निकालूँगी तो आप लोग बताऊँगे। तो कबाब हमारे तैयार हो गए, हम निकाल रहे अभी। कबाब देखो मैंने पूरे निकाल ली हूँ, अभी दूसरा फिर आप बना के आप लोग सर्व करके बताऊँगी। तो आज की रेसिपी हो गई हमारी तैयार, गोले कबाब और पाव फ्राई करके रखी हुई। आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लोग मुझे लाइक करो, शेयर करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और चैनल पे मेरे जो भी नहीं है आप लोग वो सब्सक्राइब कर दो, और दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।